Jeevan Pardeshi with Society Talks. So I got a very interesting question today. The question is, can a prostitute become a good wife? Wow. Can a womanizer become a good husband? Okay, no, that was, I'll come back to this point later, but sticking to the question that I was asked. Okay, let's start. Prostitution kya hai? Theek hai, prostitution is the oldest job in the world that women had or have. They sell their body to earn money, to earn living. ये तो एक हो गई prostitution का का मतलब एक तरह से निकल जाता है. Depend करता है कि prostitution जिसको आप कह रहे हैं वो क्या है. Prostitution जो है वो क्या एक गरीब औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ एक betrothal में रख के उसको अपने आप को बेचना जो है, is that prostitution really? Prostitution वो होती है जो आप अपनी मर्जी से जो है वो अपने आप को सेल करें. ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. प्रोस्टिट्यूशन पॉलिटिक्स में भी होती है. प्रोस्टिट्यूशन फेम लेने के लिए भी होती है. प्रोस्टिट्यूशन और फेम में आप हर किस्म का कर सकते हैं. ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन सर्वाइवल के लिए भी होती है और प्रोस्टिट्यूशन सेक्शुअल प्लेजर के लिए भी होती है. तो एंड दैट इज़ वेरी सैड कि इन सब चीज़ों में आपको सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं मिलता. वॉज गेटिंग फॉगी. तो दिस इज द क्वेश्चन कि एक्चुअली आप प्रोस्टिट्यूशन को क्या डिफाइन कैसे करते हैं आप प्रोस्टिट्यूशन को ना. सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो अपनी मर्जी से कर रही है या उसको इसमें धकेला गया है इस उसमें. कैन अ प्रोस्टिट्यूट बी अ गुड वाइफ? दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. यू आर मिक्सिंग द टू थिंग. प्रोस्टिट्यूशन एक पेशा है. बींग अ गुड वाइफ वो उस औरत की आदात पे डिपेंड करता है कि वो अच्छी बीवी बन सकती है कि नहीं बनी. बहुत बहुत अच्छी बीवियाँ जो होती हैं उनको भी जिंदगी गुजर गई मेरे इस पेशे में. लोगों से बातें करते वो करते 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 बहुत ऐसी औरतें सो कॉल्ड बहुत अच्छी बीवियाँ जो हैं वो भी उनके भी अफेयर्स होते हैं. बहुत अच्छे हस्बैंड्स जो होते हैं उनको क्या कहें जो बाहर जाके मुँह मार के आते हैं. तो क्या वो प्रोस्टिट्यूशन नहीं है? प्रोस्टिट्यूशन क्या आप लोग प्रोस्टिट्यूट सिर्फ एक औरत को वाइडली नोन एक औरत को ही कहते हैं? अ मैन कैन ऑल्सो बी अ प्रोस्टिट्यूट व्हेन ही गोज आउट एंड हैव आई डोंट नो हाउ मच सेक्स विद हाउ मेनी वुमेन. तो वो भी प्रोस्टिट्यूट ही हो गया ना. तो बात जो भाई ने पूछी है कि कैन अ प्रोस्टिट्यूट बी अ गुड वाइफ, इट इज़ अ वेरी वेरी वाइड स्प्रेड क्वेश्चन. एंड येस, टू जस्ट कट इट शॉर्ट, शी कैन बी अ वेरी गुड वाइफ. देखिए बात ये होती है कि आप जिंदगी के किस मोड़ पे हैं. इफ़ यू वॉन्ट सेक्शुअल प्लेजर इन योर लाइफ एंड यू वॉन्ट टू गेट पेड फॉर इट, तो उसके बावजूद आप एक अच्छी बीवी बन सकते हैं. ठीक है, बीवी का काम क्या है? घर संभालना, बच्चे पालना. और इसके बावजूद अगर आप इस किस्म का काम करें तो वो एक और बात है. हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा आगे जा चुकी है कि हमारी सोसाइटी में ये सवाल तो आप पूछना ही नहीं चाहिए, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट किसी ने पूछा है तो उसका जवाब मैं दे रही हूँ कि गुनाह से माफ़ी इंसान किसी वक्त भी मांग सकता है. जब तक आपका आखिरी सांस नहीं आता तब तक आपके लिए जो है वो दुआ के दरवाजे और माफ़ी के दरवाजे खुले रहते हैं. तो आप किसी वक्त भी अगर आप इस काम से तौबा करना चाहते हैं तो आप तौबा करके. बात ही सिर्फ इतनी है क्योंकि आप वाकई तौबा करना चाहते हैं. अगर तो कोई भी दिल से मर्द औरत इस चीज़ से तौबा करके वो आ जाए और वो एक अच्छा इंसान हो, बेसिकली अच्छा इंसान हो, और वो ये सब काम अपने किसी मजबूरी के लिए या किसी वजह से कर रहा हो, तो यस ऑफ कोर्स. बात सिर्फ इतनी है कि जब आप किसी ऐसी औरत को अपने घर लेके आते हैं तो क्या आप में इतना जिगरा है कि आप उस औरत को इज्जत दे सकेंगे? क्योंकि यही चीज़ तो औरत मांगती है. औरत जो है उसको आप कम पैसे में रख लें तो वो रह लेगी, लेकिन अगर उसको कम इज्जत में रखेंगे तो वो नहीं रहती. ये ट्राइड एंड टेस्टेड बात है, ये कोई आज की बात नहीं है. बात सिर्फ इतनी होती है कि औरत प्रोस्टिट्यूशन में कोई आज या क्योंकि ये कोई अभी आजकल का तो मसला है नहीं, ये तो अजल से चलता आ रहा है. पॉम्पी का जो उन्होंने रूइंस दिखाए थे उसमें बकायदा बेथोटल बने हुए थे और बकायदा दिखाया था रूम्स एंड बेड्स जहाँ पे जाके. अब दूसरी बात देखने की ये है सबसे ज़्यादा कि प्रोस्टिट्यूट अगर बनती है एंड इफ शी ऑफर्स सेक्स तो वो किसको सेक्स का ऑफर कर रही है? जो चाह के उसके साथ उसको पे करके उसके साथ सेक्स करते हैं, व्हाट आर दीज मेन कॉल्ड? आई नेवर गॉट एन आंसर टू दैट. टू फॉर मी दे आर द प्रोस्टिट्यूट्स, नॉट द वेमेन.
हुआ बींग यूज, क्योंकि वो तो बेचारी अपनी जरूरत के लिए कर रही है ना, उसको तो या तो उन्होंने डंडे मार के बिठाया हुआ है कि तुम भागोगी तो हम तुम्हें मार देंगे, या जो भी वजह होगी, फ्री विल के साथ तो बहुत कम औरतें होती हैं, औरतें करती हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन मैं जनरली बात कर रही हूँ, तो दोज मेन आर द रियल प्रोस्टिट्यूट्स हु लीव देयर वाइफ सिटिंग एट होम, गो एंड पे अनदर वुमन टू स्लीप विद हिम विद हर. तो अगर उनकी बीवियां उनको बर्दाश्त कर लेती हैं सब जानते बूझते भी, जो कि बीवियों को नॉर्मली पता होता है, औरतों को पता चल जाता है, तो फिर ऐसी औरत को घर ले आए तो उसमें तो कोई खराबी नहीं है. तो यस, अ प्रोस्टिट्यूट कैन बी अ गुड वाइफ इफ शी इज अ गुड पर्सन. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन. यू कैन बी क्या कहते हैं, अ किंग और अ क्वीन, एंड यू कैन बी अ शिटी पर्सन, और यू कैन बी पुअर कि आपके घर में खाने को नहीं है, बट यू कैन बी अ ब्यूटिफुल पर्सन. सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी एंड नॉट ऑन द जॉब दैट यू आर डूइंग. दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. द पर्सन हू हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. वन इज अ जॉब एंड वन इज अ पर्सनैलिटी. सो इफ यू वॉन्ट, इफ यू हैव एनी, अगर आपको कोई इस किस्म की कुछ ख्वाहिश है तो उसकी पर्सनैलिटी को देखिए, जॉब के ऊपर बाद में आइएगा, अपनी जॉब को भी और अपने अंदर नजर डाल के पहले खुद भी देख लीजिए कि आप क्या करते हैं. टिल देन, जेमिन परदेसी, मिल्टी जिट्स रुक.